हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भवानी शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, सादिक फकीर, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज विठी, तरफाकर सिंध। जी तो पा पढ़ा आया वो सिलसिलो जो असो सिंध कॉलेज लेक्चर्स कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफा जारी सारी है वहाँ की सहूलत इन सिचुएशन में जैसे असो है कॉलेज ताई रसाई ना है या असे इदार ती ना वही सकूँ तो उन्हें सिलसिले में असरी फैसिलिटी यो मिले थी स्टूडेंट्स के असाया ये लेक्चर्स जो उन्होंने फॉलोअप कन उन्हें फॉलो करें अजा मदद हासिल करें पढ़ाई के जारी सारी रखा। सो अज उन सिलसिले में एक टॉपिक खी आयो जो इंतहाई अहम है हाँ वह इंतहाई अहम इन कर इन टॉपिक की जो यूजफुलनेस वो केमिस्ट्री के अंदर जैसे अस केमिकल एक्टिविटी के स्टडी करूँ तो इनजो मेजर रोल हों वो मेजर रोल यो कें भी अनसर के अस जैसे चेक कह तो उनकी केमिकल एक्टिविटी जो है चेक करो हिंदो क्राइटेरिया है या पैरामीटर है तो उनको नालो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना यो अस कें एलिमेंट की सग मालूम कदा ताकत माना वह सग या ताकत कड़ी तो एलिमेंट की सग या ताकत वह इन हवाले से होंगी तो आइदर अवजो एलिमेंट वो कैपेबल हों इलेक्ट्रॉन के लूज कर में या इलेक्ट्रॉन के गेन कर में तो ये बई एस्पेक्ट्स के हूँ जैमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे तो या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उनके नतीजे में जो केमिकल चेंज अचे थी उन केमिकल चेंज के अस डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में स्टडी कर तो उन्हीं केमिकल रिएक्शन की स्टडी में ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजरमेंट्स होंदियों ये असके हेल्पफुल थन्दियों अगे हली पाते दिसंदी तो यो कि हेल्पफुल थी सकियों तो फिलहाल जो है अस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ये खी चूँ तो यह सग कि क्रिएट थे थी तो वह सग ये क्रिएट थे थी तो जैसे भी कोई एलिमेंट जाहिर वो तुम कदें कदें मेटल्स है कदें कदें कोई नॉन मेटल्स हैं तो अस जैसे उन एलिमेंट के उनके आयन में भी कदा माना अस कोई एलिमेंट इतने जाहिर जैसे अस इलेक्ट्रोड तौर यूज करूँ था वर्ड तो ये इलेक्ट्रोड तुम बेसिकली एलिमेंट है उन एलिमेंट के अस टिप कहें उन्हीं के आइंस में जो इतने अस खासी जिंक जाहिर हो अस मेटालिक फॉर्म है तो उन जिंक जो मेटालिक फॉर्म माना एटॉमिक फॉर्म हों तो उनके अस मुक्त कहें जिंक आइन में डेफिनेटली जिंक आइंस अस मिलना सोल्यूशन में माना जिंक जो साल्ट कहसी वो जिंक जो साल्ट खी अस उनको सोल्यूशन ठाईंदी तो उते असांखे जिंक आइंस मिलंदा जी अस जिंक जा एटम मेटल उनके अस डिप कंदासी जिंक आइन के अंदर तो उते यो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हाँ इतने अस चॉइस होंगी है एलिमेंट की तो आया यो एलिमेंट अवजो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन लूज करण जो या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर हाँ जैसे यह अस एक्टिविटी के चेक कंदासी मेयर कंदासी तो उते वह मेयरमेंट असो पोटेंशियल डिफरेंस चाहो है जो वोल्ट्स में अस मेयर कंदासी पोटेंशियोमीटर असते अप्लायंस है जो यो अस मेयरमेंट कर एलिमेंट वो केतरो कैपेबल है दिसो तो तट जी डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक मेटल्स हैं उन्हें जो अक्सर तिठो हों तो वो कैपेबल हैं कें हवाले से इलेक्ट्रॉन लूज करण की एबिलिटी के हवाले से तो हाँ इलेक्ट्रॉन तो सभी लूज पे पर अस उनमें यो जांचासी तो उन्हीं में वधिक केड़ो आए माना वधिक इलेक्ट्रॉन लूज करण की सलाह केंदी उन ट्रेंड क्रिएट थो तो उनमें अस या प्रायोरिटी वाइज जो एलिमेंट्स हैं उनके रखासी तो प्रायोरिटी क्रिएट थी इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेयरमेंट में तो हाँ इतने जैसे
पहले क्राम्स को जैनुकुलन के चेक कर रहा हूँ बिफोर गोइंग इनटू द एक्सपेरिमेंटल पिक्चर. सो पहले क्राम यो आए तो मुझे मेंशन करवा का रिकॉर्ड पोटेंशियल आए था व्हाई वी आर स्टडिंग इट या की मेजरमेंट आए अनुवा मेजरमेंट आए हमारे एलिमेंट की केमिकल एक्टिविटी के मापन एलिमेंट की केमिकल एक्टिविटी मापन था जो इतने केमिकल असो एलिमेंट जो वो यूज थे तो एज इलेक्ट्रोड. हाँ हिंस यो है यो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्लियर है माना जैसे अस अड़े किस्म जो सेटअप रखासी जैमें कोई एलिमेंट उनको कोई एटॉमिक फॉर्म हो या मॉलिकुलर फॉर्म हो उनके जैसे उन आइंस में अस पुट कंदासी तो उसे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल यो पैदा थे तो कदें तो बिटवीन मेटल जैसे कंदासी ना एलिमेंटल फॉर्म है उनको आइन जैसे अस सॉल्यूशन की सूरत में जैसे कंदासी तो यो असो सॉल्यूशन जो सेटअप कैन प्रोवाइड सच. हाँ अस जैसे ये खी चूँ तो एलिमेंट माने मेटल उनको आइन के जैसे अस रखो तो उसे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट थे तो दैट्स का वोल्टेज वो अस इतने वर्ड यूज कंदी और वोलेटिक सेल. हाँ ये वोलेटिक सेल चाहे तो वोलेटिक सेल को एक फॉर्म है जो अस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर यूज कह तो यो करंट पैदा कड़ अप्लायंस है करंट प्रोड्यूसिंग अप्लायंस है यो मुश्तमल हों बिन हाफ सेल के टू हाफ सेल. हाँ वो हाफ सेल तीन पिक्चर में मौजूद है उन बिन हाफ सेल में रखो है जी इतने मेंशन किया जिंक यो एग्जांपल है एज एलिमेंट अस एज इलेक्ट्रोड यूज किया जिंक की ही प्लेट मेंशन किया ही जिंक की प्लेट है ही जिंक आइंस जी असके साल्ट के थ्रू इनके खो है उनकी मोलरिटी जो रखी है योग अच्छी वन मोलर सॉल्यूशन है वो जिंक जो है जैमें जिंक आइंस हों सामूँ जो बो हाफ सेल है उसे प्लेटिनम अस खी है बट अस हाइड्रोजन जो है 180 प्रेशर से इनके फ्लो दींदी तो हाइड्रोजन गैस जी होंगी एब्सॉर्ब थी माना ऑक्यूपाई कहती द सरफेस ऑफ प्लेटिनम तो इन के पानी चूँ तो हाइड्रोजन जैसे एब्सॉर्ब थी माना ऑक्यूपाई कहती ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम तो नाउ द कैरेक्टर यो होंगे ऑफ द हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के बे लफ्सन में खी चूँ तो हाइड्रोजन के पा टिप कर हाइड्रोजन जो एलिमेंटल फॉर्म आ वो हाइड्रोजन गैस है उनके टिप कर हाइड्रोजन आइंस में उनकी भी मोलरिटी है वह वन मोलर है जाहिर एसिड के जैसे अस वाटर में पुट कंदी तो एसिड कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन आइंस उनकी मोलरिटी जो है वह वन रखी है यो तो थो तो हाफ सेल तो हाफ सेल अस रखी उन हाफ सेल में तसो तो हिता पोटेशियम क्लोराइड जैली कहते पोटेशियम क्लोराइड साल्ट ब्रिज है माना बिन हाफ सेल के पा में कनेक्ट कह जाहिर जैसे चाहता है केमिकल एक्टिविटी एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन बे में रिडक्शन तो उन दौरान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हों वो साल्ट की जो ब्रिज है जो पोटेशियम क्लोराइड जैली यूज किया अलाउ कहती फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल जाहिर अस इनके ये खी चूँ तो इनके छो यूज किया साल्ट ब्रिज छो यूज कई है तो उनको बेनिफिट यो है सॉल्यूशन के मिक्स थे यो रोक तो इनको यो बेनिफिट है तो हाफ सेल जो ये गाल कई तो वॉलेटिक सेल जो है हाँ सजे इन प्रोसेस दौरान जो पा लास्ट टाइम एक इलेक्ट्रोलाइसिस जो अमल पढ़े हो तो उनमें पा दिखोसी उनमें यो दिखोसी एक्सटर्नली
बैटरी के यूज कई आई हुन करंट प्रोवाइड कयो आई कोन जे नतीजे में केमिकल चेंज आ पर हिते वरी छा थींदो हिते यो थींदो त केमिकल एक्टिविटी जेका हुंदी उहा क्रिएट थींदी केमिकल एक्टिविटी जी वजह सां हिते इलेक्ट्रिक करंट पैदा थींदो त मतलब असां इहे खणी चऊं त केमिकल चेंज जे नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा थी माना करंट पैदा थी इन करके असि तो वॉलेटिक सेल है माना करंट पैदा कर अप्लायंस है वो करंट पैदा हाँ अस जैसे हाफ सेल यूज कर जैमें असें खबर है तो एक सेल में ऑक्सीडेशन जो अमल बे में रिडक्शन जो अमल पर जैसे कई अमल एक ही वक्त तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हों माना एक ही वक्त तो हाँ जाहिर है कई अमल एक ही वक्त थे तो बिन्हीं अमलन दौरान पोटेंशियल पैदा थी जैसे बिन्हीं अमलन दौरान पोटेंशियल पैदा थी तो पोटेंशियोमीटर से असो बिन्हीं प्रोसेस पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर थो तो अस हाँ कि मालूम कर सी पोटेंशियल जो रीडिंग में इंदो यो कड़े अमल के नतीजे में पैदा थो है माना जा ऑक्सीडेशन जो अमल स्ट्रॉन्गर हो या उन दौरान पोटेंशियल ज्यादा प्रोड्यूस थो है या रिडक्शन के अमल दौरान पोटेंशियल ज्यादा प्रोड्यूस थो है तो मतलब यो जैसे ही अमल एक ही वक्त थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस है जैसे साइमल्टेनियस पोटेंशियल क्रिएट थे तो वो डेफिनेटली इट इज नॉट ईजियर टू मेयर दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल फॉर दी एलिमेंट माना कि अस एक एलिमेंट जो उन वक्त यो ना चे सकूँ तो इन अमल दौरान एतरो पोटेंशियल पैदा थो है मतलब है तो यो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापे नो सके तो कई अमल एक ही वक्त थींदा बिन्हीं जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा थींदा पोटेंशियोमीटर से इंदा पर असि पतो न पवो तो ये पोटेंशियल कैंसा बिलोंग करे तो आया ऑक्सीडेशन जो या रिडक्शन जो हिस्सों केतो है तो माना अस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एक ही वक्त अस ना मालूम कर सकूँ तो इन्हीं पर्पज ला जो अस रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज क्या वो है हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन जो अस यूज करूँगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो इतने मेंशन किया एस एच ई शी हाँ या एस एच ई जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाँ या रेफरेंस यूज करूँगा इनके छो रेफरेंस जो अस यूज किया जो इतने सामू ते हाफ सेल हाइड्रोजन है इनके इन कर यूज किया तो इनकी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो अलमोस्ट आर्बिट्रली जैसे अस चूं था वह 0.0 वोल्ट है माना हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर या गेन करे तो उन अमल दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट कंदो हाइड्रोजन के अंदर अमल दौरान वो आर्बिट्रली लगभग वह 0.00 वोल्ट है तो यह जो आर्बिट्रली इनकी अस ये खी चूं वैल्यू जो है आर्बिट्री वैल्यू वो इनकी है 0.00 वोल्ट मतलब है हाँ हाइड्रोजन के साथ स्टैंडर्ड रखूंगा एस वन ऑफ द हाफ सेल बाकी जो हों मेजरमेंट वो उन एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट खो उन्हें रखो एक हाफ सेल में यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड छो तो इनकी कीमत जो होंगी वो अलमोस्ट 0.0 वोल्ट है जाहिर है तो हाइड्रोजन के हिसाब से अवज एलिमेंट आया मोर कैपेबल है टू लूज आर गेन तो समटाइम यस अवजा एलिमेंट्स या मेटल्स उनके असर चेक कंदी तो वो कैपेबल एंड टू लूज दैन हाइड्रोजन पर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन जो अमल इतना रिडक्शन जो पर कुछ एलिमेंट अड़ा जैसे हाइड्रोजन के बनस्पत उ नेक्स्टर कैपेबल एंड टू
क्रूज इलेक्ट्रॉन कफ वही असो ऑक्सीडेशन जो अमल रिडक्शन जो अमल इन हाँ इतना ऑक्सीडेशन इतना रिडक्शन तो इतने असो हिंसर एग्जाम्पल खूँ पे जिंक के पान मेयर करूँ था हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रखो उन बी जो अहम है वो यो है तो मुझे हे सॉल्यूशंस इतने मेंशन किया वन मोलर हि भी वन मोलर है माना बी आइंस वन मोलर है हाँ असर है तो कंडक्टेंस ऑफ करंट अस प्रीवियस टॉपिक्स में जो मेंशन थे होंगे तो उनमें यो होंगी थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में पढ़े होंगे तो आइंस जो तादाद उन्हीं पे कंडक्टेंस डिपेंडेंट है माना कंडक्टेंस डिपेंड करे थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो वह डेफिनेटली अस जैसे वन मोलर मेंशन कंदासी तो अस सभी सॉल्यूशन उनके एकड़े स्टैंड उनके को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना थी तो वी हैव टू टेक ऑल सॉल्यूशंस विद सेम कंसंट्रेशन ऑफ वन मोलर आई कौन सा गलो गल टेंपरेचर तरह द फैक्टर टेंपरेचर को इफेक्ट करे तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द अगेन मेजरमेंट में यूनिफिकेशन आए तो उन ला वी हैव टू कीप व्हाट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज द स्टैंडर्ड टेंपरेचर फॉर दिस पर्पस and you know when we have to pass hydrogen gas it should be 1 atm so by keeping these conditions why we have to keep these condition un jo sabab mo taake batayo ta awaja ye cable measurements hunda under the same conditions rakhunda ta asa ehde kisam ji jega measurement karda si ta unai mein what we have to say solutions ye hunda unan mein वन मोलरिटी कंसंट्रेशन होंगी उनसा गलो गल जो होंगे वो टेम्परेचर जो होंगे वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे प्रेशर जो होंगे वो 1 atm होंगे तो इन कंडीशंस से जब अस मेजर कहते तो उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अस चाहिए स्टैंडर्ड ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट इज सिंपल and the standard chai standard conditions the so, you will be important dikhayo aspect hai during the measurement and hane jade asa measurement ke follow up karunga the ekro pyo factor mein mi only why clearly paan padho pe cover aaye the kuch elements dekhe capable hunda to lose electron kuch element hunda dekhe capable hunda bore to gain electron and oxidation reduction kindi तो डेफिनेटली हाँ अस स्केल डेवलप करूँगा सीरीज क्रिएट थे तो सीरीज में यूनिफिकेशन रखना तो जरूरी है माना ऑल मेजरमेंट्स दे शुड बी टेकन इन सेम पैरामीटर उन्हीं के आई थिंक सो 1953 में या यूनिफिकेशन पे गई तो 1953 में या डिसाइड करो तो सभी जी पोटेंशियल्स हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वे मेजर किया वन इन रिडक्शन पोटेंशियल माना हाँ असा जो भी एलिमेंट्स हुआ उनकी मेजरमेंट जो होंगी वो अस चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट नाउ इन रिडक्शन पोटेंशियल तो डेफिनेटली जिते ऑक्सीडेशन जो अमल तो वह रिडक्शन पोटेंशियल में छा थिंदो तो वो डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल में वह साइन होंगी वह रिवर्स थी माइनस अस शो कंदी तो यह माइनस असाई थी तो रिडक्शन पोटेंशियल में या रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से जैसे माइनस में वैल्यू मेंशन कंदी तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन तो मतलब यह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो अस मेजरमेंट में एक पैरामीटर जो मेंशन करूँ था वह पैरामीटर के अंदर यूनिफिकेशन रहे उन यूनिफिकेशन के फॉलो किया तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जैसे प्रोसेस ऑक्सीडेशन जो है तो रिडक्शन पोटेंशियल में वह माइनस में मेंशन माना जैसे रिडक्शन पोटेंशियल
मैं समझाया करूँगा अमल ऑक्सीडेशन जो है योर वैल्यू ऑफ वॉट पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल हीटर बुधाई वो माइनस मेंशन कह तो अमल ऑक्सीडेशन जो प्लस है तो डेफिनेटली विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ अस जैसे ही सेटअप रखो है जैसे असो मेजरमेंट में वनू था तो इतने अस बई चॉइस जिंक मेटल है माने एटम है एलिमेंटल फॉर्म है जिंक आयन्स अवेलेबल है तो हाँ इतने कंपेरन यो है वेदर योर जिंक इज मोर कैपेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन आर जिंक आयन्स आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन सामू यो है जिंक की भेट में हाइड्रोजन कैपेबल है टू लूज इतने जैसे असो सेटअप रखी तो उतने सामू ज एक्सपेरिमेंटल पिक्चर आई है वह आई है जिंक इट इज मोर कैपेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन माना जिंक अवजो यो मेटल जो एटॉमिक फॉर्म में है यो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे जिंक आइटम जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कह जिंक आइंस में कन्वर्ट थी अवजो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इन आइंस के सोर्स के थ्रू इन पोटेशियम क्लोराइड जेली जो कंडक्ट कमी वो पास थ्रू इलेक्ट्रॉन इनटू अनदर सेल इनटू अनदर हाफ सेल वेयर यू हैव द हाइड्रोजन आइंस व्हिच कैन गेन दैट इलेक्ट्रॉन मतलब यो ही तो एकड़े हाफ सेल में थे पियो ऑक्सीडेशन ये में थे पियो रिडक्शन। एंड वैसे तो आप पढ़ो है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर छा थो हो यो थो हों अवजो कैथोड जिते रिडक्शन वो नेगेटिव हों एनोड जिते ऑक्सीडेशन ये पॉजिटिव हों बट इन दिस वोलेटिक सेल व्हाट हैपन योर कैथोड बिकम पॉजिटिव एंड योर एनोड बिकम नेगेटिव योर इन द हाउ योर एनोड बिकम नेगेटिव तो अस फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच के इन पैटर्न से पढ़ू था तो ऑक्सीडेशन एनोड से थी रिडक्शन कैथोड से थी हाँ रो सवाल तो उनके चार्ज कि अपोजिट थी वही तो हाँ इतो योर जिंक एटम हो यो इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल में लूज करे तो जिंक लूज करे तो अमल कड़ो थी अमल थी ऑक्सीडेशन अमल ऑक्सीडेशन जो थी उन दौरान इलेक्ट्रॉन जो फ्लो जगह वो इन हाफ सेल में अचे तो माना इन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन जो अमल थे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो अचे तो यूर वॉट ऑक्सीडेशन कॉल्ड एनो एंड व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग फ्लो ऑफ करंट दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन means your anode become negative in this case of volatile cell what happen anode become negative why because oxidation takes place over here and due to the loss of electron this can create a flow of electron and that what we call your anode become negative hane suda samu half cell mein utre wali chhatro jane ye electrons flow kar da to now hydrogen ions lag dekho positive ions hain we have to say low potential rakhan da to ue bina electron ke gain kar da and what we call that gain of electron called reduction gain of electron called reduction now look at this the pole where reduction takes place ps positive charge means reduction jante thindi wo hundo cathode but charge kedi aaye positive and that's what we have the difference in electrolytic cell and volatile cell so now हाँ जैसे अस इन प्रोसेस के फॉलोअप करूँ था जैसे हाफ सेल के जैसे अस रखी तो इनमें यो थे जिंक इलेक्ट्रॉन
लूज कयो आहे ऐं जिंक ऑक्सीडाइज थियो आहे हाइड्रोजन जेका आहे उहो तव्हांजो इलेक्ट्रॉन गेन कयो आहे एंड बिकम न्यूट्रल फ्रॉम न्यूट्रल टू ऑक्सीडाइज फ्रॉम पॉजिटिव टू न्यूट्रल बिकम रिड्यूस हाँ जाहिर एकड़े पासे ताजा इलेक्ट्रॉन लूज थन बे पासे गेन थन एकड़े आसे का बे आसे में बयान आणि उते उन दौरान त हिन सिंक जी के फ्री कैपेबिलिटी आए केत्रो इजीियर आए फॉर जिंक माना इलेक्ट्रॉन लूज करण जी सलाह दी केत्री सुठी आ घणी आ त उने हिसाब सा पोटेंशियोमीटर यो पोटेंशियल डिफरेंस बुढ़ा दो का यो अच्छे तो 0.76 वोल्ट और 0.76 वोल्ट जगह पोटेंशियोमीटर पे रीडिंग अच्छे थी तो अल्टीमेटली यो रीडिंग बिलोंग करे थी तू द प्रोसेस वेयर जिंक लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन ऐं ताहिर उन जो साइमल्टेनियस प्रोसेस आहे रिडक्शन थी आहे पर असांखे इहो पतो आहे त रिडक्शन पोटेंशियल केतिरो क्रिएट थींदो ओवर हाइड्रोजन उन जी असांखे आर्बिट्रल क़ीमत जी ख़बर आहे त हाइड्रोजन आइदर लूज़ करे या गेन करे त उन दौरान पोटेंशियल क्रिएट थिए थो 0.0 वोल्ट त अल्टीमेटली वट एवर वी हैव द रीडिंग माना जेका बि रीडिंग असांजे पोटेंशियल मीटर ते हूंदी अल्टीमेटली वो बिलोंग कंदी इते जिंक सा तो मतलब तो जिंक में ऑक्सीडेशन किया असा के लिखनो आए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन सो व्हाट वी हैव टू पुट द साइन नेगेटिव एंड यू नो वी हैव द वैल्यू एंड दैट वी हैव द वैल्यू टेक इन फ्रॉम दैट पोटेंशियोमीटर इट इज सच मतलब हाँ हिन ते जो रीडिंग आई एंड असा जो वूँ था हाइड्रोजन जो इट इज नोन आइदर वेदर इट इज गेनिंग आर लूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0.00 वोल्ट सो वट एवर वी हैव अ पोटेंशियल क्रिएटेड एंड अपीयर्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर स्केल व्हाट वी हैव टू से इट इज 0.76 वोल्ट so that's what we have the measurement taken and then we have to draw and to write down to understand the whole process in a equation format and that's we have the half cell equation so in a half cell equation what we have zinc metals neutral one when oxidized kiya ek oxidized shamil hai zinc ions mein oxidized hai and we have what zinc ions are already present in the solution having one molarity as what the concentration and what happened from this half cell this is sign of half cell and that's the direction of flow of electron from this half cell to another half cell that's what the reference electrode we have in that and the reference electrode our jo half cell mein rakhe pyo हाइड्रोजन आयंस हुआ हाइड्रोजन आयंस वन मोलरिटी रखन था न्यूट्रलाइज था दैट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस दैट वाज प्रेजेंट एट 1 ATM एंड वी हैव व्हाट इट इज कोटेड आर एडसॉर्ब आवर प्लैटिनम सो दैट्स व्हाट द पिक्चर दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस व्हाट द potential difference created we have the whole phenomenon and the two half cells where what happened the oxidation reduction takes place we can draw into mention this for our reaction in that format so now that was what the overall picture we have to say when we have to keep the zinc as your electrode as element and we measured it by keeping reference electrode that of your hydrogen and likewise if we have to keep copper is another metal is another element is another electrode and we have another half cell where your standard is present
You have a reference electrode. What do you call that? You call it as standard hydrogen electrode. So when we have to keep what that copper, asa dekhe hain, ye copper de rakhi tha. And hum jo bhi pictures hain, paan dekhe hain, ya picture ye bhi mention kare sabu tha. Next we have to say, this is one of that half cell, and you have another one that half cell zinc. It is losing electron and to be converted into zinc ions. So this is what you have, one half that half cell, and over here hydrogen ions are present and those are to be neutralized, and that's the direction, and that's what the picture overall summarized it in that format, that we have a zinc and what you have, it is converted into zinc ion. So oxidation takes place over here, reduction takes place over here, and if you have to use another metal, another element like copper by dipping it into copper ions, definitely again they have to be taken from copper salt. So copper ions is what we use, copper ke asa use karna si as electrode, and then we have another finding and it will be opposite, because in this case when copper is to be kept against copper ions and hydrogen is present in hydrogen ions, so now hydrogen is more capable to lose electron, and copper ions are gaining. So what happened when in the earlier process, what we have in that, even though in the half cell mein oxidation thi, unme reduction thi, but then copper ke rakhe wajah to, so copper is more capable to gain, and hydrogen is more capable to lose. To mana hane ke asaud overall ikri series create thi, to tum utake deyo ta ye sabhi jege asa elements hain, उन्हें जा असां पैरामीटर्स रखूं था, उन्हें भी मेजरमेंट रखूं था, मैं वह मेजरमेंट असां के जस्टिफाई करूं ड्यूरिंग केमिकल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस व्हाट इन सॉल्यूशंस, जैसे असां कीमिया एमल कराया था, मैं वो कीमिया एमल सॉल्यूशन बेस था, तो उते वी हैव अ सीरीज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तहां जेके स्टडी कंदो पर यू कैन फाइंड दिस वन चाहेंगे हाइड्रोजन उनका अबव जेके मथे एलिमेंट्स हैं उनन की कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूजिंग दी हुई है, आई वे मोर कैपेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एंड व्हेन यू कम बिलो माने जदे ता हाइड्रोजन जे हेट थिंदो तो उते वरी ताके हाइड्रोजन सा जे कंपेयर कंदो तो वे मोर कैपेबल है लेस कैपेबल है टू लूज and more capable than that to gain. So it was trend set here. And on a trend maan, asa ke kai factors ke kumato pavet ho, ta awanja keda element, ketra more capable hain, ay wo series asa ke help kandhi, GM Fizzlan, ta ha, kehen, chemical reaction mein, displacement of ions karai tha. Ta zahir, more positive, yani ECS mein, हाई रैंक होंगे ECS में, जहाँ उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हाई में होंगी, तो वो मोर कैपेबल होंगे टू रिप्लेस योर अनदर पॉजिटिव, माने तो पॉजिटिविटी के जस्टिफाई करे तो ताजो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाउंड जी तो केमिकल एक्टिविटी इन हवाले से हाँ ये एलिमेंट्स ही वो इन क्राइटेरिया के असा अक्सर पढ़ता आयो उनमें एकड़ो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ वो एकड़ो साथे पैरामीटर प्रोवाइड करे तो आया वाला जो एलिमेंट के तो कैपेबल आए टू लूज आर इजीियर आए उनला टू लूज इलेक्ट्रॉन हजार जतो वधी के इजीियर हो टू लूज इलेक्ट्रॉन असान के चंदा सी वो मोर रिएक्टिव आए तो यो हो वाला अर्लियर जो एस्पेक्ट आए रिएक्टिविटी जो आई आने जे को जो भी असान रिएक्टिविटी जो जेका एस्पेक्ट पढ़ो सी हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई इन ही के एस क्राइटेरिया यूज करना सी इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस
जेके तव्हांखे इहो हेल्प आउट कंदा त अव्हांजो केमिकल रिएक्शन में कहिड़ा आइंस जी डिस्प्लेसमेंट कहिड़ो आइन करे सघे थो या केरु वधीक पॉज़िटिव आहे केरु वधीक नेगेटिव आहे त इहो पूरी सीरीज़ जेको हूंदी आहे उहो असांखे डिफरंट टाइम्स ते डिफरंट केमिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प कंदी टू अंडरस्टैंड दी केमिस्ट्री इन अ बेटर वे. So that's all about today, and you have to go through your book and to study it, and again whenever you have the opportunity to meet with your teachers, then you can easily discuss what the terms which are still unclear. So I think so if you can do better in those to the year they can get on part of study on those again for observations or to go from different reference books, definitely it can support you. Mehrbani, hopefully you will get it. Thanks a lot.